हेलो क्लास सिक्स, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू दिस मॉडर्न मास्टर जी चैनल। तो अब देखो हमारे पास है यहाँ पर एक्सरसाइज 1.3 का क्वेश्चन नंबर 3। ठीक है, तो एक तरह से मैं आपको बताऊं कि ये जो क्वेश्चंस हैं, यानी कि इस तरह के जो क्वेश्चन है, ये इस चैप्टर की जान है। ठीक है, अब क्यों है, क्योंकि ये जो चैप्टर है ना, इसके अंदर ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है जो कि आपको आना चाहिए, और इस पे बहुत सारे क्वेश्चंस आपको एग्ज़ाम में या फिर आपने अपने सब्जेक्ट के अंदर यानी कि चैप्टर के अंदर ही देखा होगा, बहुत सारे क्वेश्चंस इस तरह के आए होंगे आपके सामने। ठीक है, तो अब इनको स्टार्ट करते हैं, देखते हैं किस तरह से सॉल्व करना है। तो क्वेश्चन क्या है, सबसे पहले प्रश्न है एस्टिमेट द फॉलोइंग प्रोडक्ट्स यूजिंग जनरल रूल। अब आपको इन्हें एस्टिमेट करना है जनरल रूल से। तो अब ये जनरल रूल क्या कहता है, जनरल रूल कहता है कि अगर कोई नंबर हंड्रेड्स में चल रहा है तो उसको हंड्रेड्स में एस्टिमेट करो, अगर कोई टेंस में चल रहा है उसे टेंस में करो, और अगर कोई थाउजेंड में चल रहा है उसे थाउजेंड में, यानी कि वो जितने में भी चल रहा है उसको आपको उतने में ही एस्टिमेट करना है। ठीक है, अब स्टार्ट करते हैं जनरल रूल, इसको रहने दो हाईलाइटेड यहाँ पर। फिर है यहाँ पर 578 मल्टीप्लाइड बाय 161, तो इसको 500 जो 78 है, अगर मैं इसे देखूँ तो वंस टेंस हंड्रेड, ये हंड्रेड्स में चल रहा है। ठीक है, या तो अब 5 को मैं यहाँ पर 500 ही रहने देता हूँ, या फिर मैं इसको 600 करता हूँ, और ये क्यों करूँगा। ठीक है, देखो मैंने आपको बताया है कई बार पहले भी क्वेश्चंस में, अगर ये 550 है, इसके इधर है तो 500 ही आएगा, अगर इसके इधर भी है तो 600 आएगा, और अगर ये भी है तो भी मैंने आपको कहा है कि हमेशा एक स्टेप आगे रहना है। ठीक है, ये क्या है, 578 है, तो ये क्या है, 550 से बड़ा है, तो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर आएगा 600, ये इस कैटेगरी में आएगा, इस वाली। ठीक है, तो अब इसको अच्छे से प्रस्तुत करते हैं हमारे क्वेश्चन के सामने। ये है 600 मल्टीप्लाइड बाय, अब इस तरह से मैं बार बार हर एक को नहीं लिख पाऊंगा। ठीक है, इसको आप देखो कितना है, ये कितना होगा, ये होगा 200, ये भी हंड्रेड्स में चल रहा था, ये 150 से भी बड़ा है, तो ये 200 के रेंज में आएगा। ठीक है, तो 6 2s 12 और यहाँ पर 4 0s आपके एज इट इज, तो ये आपका इसका आंसर हो गया। फिर यहाँ पर बी है 5281, तो ये थाउजेंड्स में चल रहा है, इसको थाउजेंड्स में अगर ये चल रहा है तो इसको हम लिखेंगे 5000, क्यों, क्योंकि ये 5500 से छोटा है, इसलिए ये 5000 की ही कैटेगरी में आएगा। फिर है 3491, तो ये भी 3000 की ही कैटेगरी में आएगा। ठीक है, अगर 3500 होता या उससे बड़ा होता तो यहाँ पर 400 आता, ये क्या है, 500 से छोटा है ना 491, तो यहाँ पर 300 आया, और 5 3s 51, तो ये हो जाए 15, 5 3s 15, और साथ में कितना 30 और इधर 30। ठीक है, 30, तो ये आपका हो गया कितना, 1 10 100 1000 10000 lakh 10 lakh crore 1 crore and 50 lakh। ठीक है, उसके बाद है सी ऑप्शन यहाँ पर। तो एक बार क्या करो, आप वीडियो को पॉज करो, पॉज करने के बाद खुद सॉल्व करो और फिर जाके आंसर्स देखो कि ये मैच कर रहे हैं या नहीं। ठीक है, फिर है यहाँ पर 1000, ये थाउजेंड्स में चल रहा है, तो इसको क्या करोगे आप, 1000 लिख दोगे, क्योंकि 1500 से छोटा है, 500 या फिर 500 से बड़ा होता तो 2000 आता, मल्टीप्लाइड बाय, ये हंड्रेड्स में चल रहा है, तो ये हो जाएगा 600, क्योंकि ये जस्ट 600 टच करने ही वाला है, इसमें जस्ट 8 हमें प्लस करना है। फिर ये हो जाएगा कितना मल्टीप्लाइड बाय, तो ये 6 2 3 4 5, तो ये हो गया इसका आंसर कितना, 6 लाख। फिर यहाँ पर 9250 है, तो इसको आपको थाउजेंड्स में राउंड ऑफ करना है, और ये क्या है, 9000 के ज़्यादा करीब है, इसके बाद क्या स्टेप आएगा, 10000 आएगा, लेकिन अगर वो 9500 होता या उससे बड़ा होता तो, मल्टीप्लाइड बाय, ये टेंस में चल रहा है तो इसको आपको टेंस में करना है, और 30 ये आएगा, क्योंकि इसमें जस्ट 1 प्लस करेंगे तो ये 30 हो जाएगा। ठीक है, सो 30 के चलेगा। फिर 9 3s यहाँ पर 27, ठीक है 27, और 3 और 4 4 0s एज इट इज़ यहाँ पर नीचे आएंगे, तो ये कितना हो गया, ये हो गया 270000। ठीक है, तो इस तरह से आपको इन क्वेश्चंस को करना था, बिल्कुल इजी क्वेश्चंस हैं, और इस चैप्टर की मैंने आपको बताया, ये सोल है, आत्मा है, प्राण है इस चैप्टर का। ठीक है, तो ये आपको अच्छे से यहाँ पर सॉल्व करने हैं, और इनके साथ आप प्रैक्टिस भी करें। ठीक है, 8 10 ऐसे भी कोई भी रैंडम नंबर लिख लो आप, 2 digit 4 digit 3 digit का, उसको राउंड ऑफ करने की कोशिश करो। ठीक है, हंड्रेड्स में, टेंस में, और फिर देखो कि आपका आंसर सही आ तो रहे। तब तक के लिए पढ़ाई करते रहें और मॉडर्न मास्टर जी का नाम भी रोशन करें। फिर मिलते हैं, गुड बाय।